इनविंसिबल सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ चुका हूँ। तुम अपने दिमाग में सबसे बुरी चीज सोच लो और वो मार्क ग्रेसन के साथ होगी। जहां इनविंसिबल की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमिक इशू 110 में जब अनीसा ने मार्क के साथ दुष्कर्म किया था अपने विल्ट्रमाइट एम्पायर को बचाने के लिए, जहां पर जब अनीसा आती है तो उसको अपना वो प्लान बनाती है कि भाई उसकी ड्यूटी है एम्पायर को और विल्ट्रमाइट हाफ ब्रीड देने को ताकि वो साम्राज्य को एक्सटेंशन से बचा सके, जहां पे अप्रोक्रिएट करने की बारी उसकी है। जिसके बाद मार्क को उसने बहुत पीटा और मार्क भी अपने अपडेटेड पावर्स के साथ उसे लेवल करता है और उसे ये कहता है कि मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन उतना कहना काफी नहीं था। अनीसा ने मार्क को बहुत मारा एंड उसे एक्चुअली अच्छा लगा कि फाइनली मार्क उसके औकात तक आ रहा है। जहां अंत में अनीसा ने मार्क को इतना पीटा और उसे इतना ज्यादा पुश किया कि भाई मार्क ने हार मान ली और उसके बिना सहमति से उसके साथ संभोग किया एंड जाते आते ये भी बोला कि मर्द बनो, इट विल प्रोबेबली टेक अ फ्यू टाइम्स, आई विल सी यू सून। जहां पे अभी सीजन 2 का इनविंसिबल इशू 45 पे खत्म हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही इसे अडैप्ट होने में।